संसार में महिलाएं किसी भी हाल में पुरुष से पीछे नहीं है, बेशक कई जगह आगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला हैं, हमारे देश में कला क्षेत्र में भी कई भारत रत्न हैं, जिसमें लता जी हैं, सुब्बालक्ष्मी जी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान सबको मिला है। मतलब सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है, और यूं ही नहीं प्राप्त कर लिया, मेहनत करके प्राप्त किया है। तो हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान हमें होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील करते हैं? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी, और बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया। वाह वाह जी, सर धन्यवाद। बहुत बड़ा दिन है, वुमेंस डे है, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में, महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है ये। अगर महिलाएं नहीं होती तो ये दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को, मगर फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार। वैसे देखा जाए तो आज हम सारे 48 इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करें, लेकिन वैसे तो महिला का सम्मान हमेशा रोज ही करना चाहिए। आज ही के दिन नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह में, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी महिला हो चुकी है, तो हम भारतीयों को तो उसके लिए गर्व है। तो अभी अनुज जी ने बताते समय बताया कि वो जेलर भी किरण बेदी जी थी, तो हम लोग तो हर क्षेत्र में आगे ही है। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, कि जो काम होते हैं कि हम रात को हो, कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है, और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उसके उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते, हम डट के पुरुष के बराबर से काम करते हैं। तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही, और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमें गर्व है इस बात के लिए। देखिए, वुमेंस होने के नाते में ये बोलूँगी हर क्षेत्र में महिला ही काम कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है, तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पोर्शन को भी जाके एक जो समाज का अलग अलग श्रेणी है उस श्रेणी में, एक श्रेणी में वहाँ पे लेडीज़ को अभी तक उतना सा स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहते कि उनके लिए हम अलर्टनेस करें कि अभी जैसे स्कूल है तो हमारी जो निर्भया पथक है, हम लोग ने एक निर्भया पथक बना के रखा है, तो निर्भया पथक वाले हमारे स्कूल में जाते हैं और बच्चे लोगों जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो छोटी उम्र से, उनको हम बताते कि बैड टच गुड टच क्या होता है, तो ये जो है उनको अलर्टनेस ला रहे हैं वो हम लोग लाने का काम करते हैं। बीइंग अ पुलिस हमको ये सब करना है, तो आजकल ये बहुत सारा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अलर्ट है अभी ज़्यादा। टेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 48वें वुमेंस डे के उपलक्ष में कार्यक्रम की आयोजिका अनुष्का दास जी, वरिष्ठ निरीक्षक सीनियर इंस्पेक्टर सालुन खेताई, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी हमारी तारी सम्मान में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, माताएं हैं,
उनको मैं महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। आप सब लोगों को पता है, पता होगा ही कि हम लोग महिला दिवस क्यों मनाते हैं। इसके तो अनेक एग्जाम्पल अगर आप गूगल में जाएंगे तो 1907 से लेकर के अनेक महिलाओं के आंदोलन के लिए आंदोलन हुए, फाइनली उसको रिकॉग्नाइज 1977 में किया गया आज के दिन। तो महिला दिवस अगर सही मायने में अगर भारत में बोला जाए तो भारत अगर हजारों साल की गुलामी के बाद अगर भारत वर्ष अगर भारत बचा रहा, अपना हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहा, तो उसके पीछे जो भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार रहा है उसका बड़ा योगदान रहा है। और उसमें ये भारत की संस्कृति और संस्कार ही था कि जहां भारत में नारी को बारे में अपने वेदों में लिखा गया है कि जहां पे नारी की पूजा होगी वहां पे देवताओं का वास होता है। अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर किसी को शक्ति चाहिए, शक्ति की आराधना करना है, तो माँ दुर्गा की पूजा अपने देश में होती है। अगर ज्ञान विज्ञान नॉलेज की अगर बात करें, किसी की अगर पूजा होती है तो माँ सरस्वती की होती है। अगर उग्र रूप मात्र शक्ति ने रख लिया तो क्या बोलते हैं? काली की पूजा होती है। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। परिस्थिति में मुझे पता है कि जो समाज के लिए आपने काम किया है, समाज को जागृत करने के लिए आपकी टीम ने जो काम किया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं। और आज के माध्यम से जो यहां पर मौजूद है, एक संकल्प लेंगे कि हम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम उसको बहन है तो बहन की नजर से ही देखेंगे, माँ है तो माँ की नजर से ही देखेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस वुमेन्स डे पे आना हम सब लोगों का सार्थक हुआ। और इसी अपेक्षा के साथ में आप सब लोग मुझे बुलाए, मेरा सत्कार किए, बोलने का मौका दिए, उसके लिए मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हाय गाइस, आई एम ज्योता चैटर्जी, आई एम एन एक्टर. आपने मुझे देखा होगा बालवीर में. क्लास ऑफ 2020 वाज माय लास्ट शो विथ रोहन मेहरा एंड नाउ क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 इज कमिंग. सो या बहुत ही अच्छा लग रहा है. और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन दुर्गापुर बोल के, इट्स नियर कोलकाता. तो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब पता था वुमेंस डे होता है, बट आज जैसे सेलिब्रेट हो रहा है आफ्टर 10-15 ईयर्स, वैसे नहीं होता था. मतलब क्या, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था. और जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो समटाइम्स ये बताना ज़रूरी है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, वो हमारे मॉम डैड भाई बहन कोई भी हो. वैसे अगर कोई दे भी है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर और भी स्ट्रेंथ आगे बढ़े. तो इसके लिए आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें पता है वी आर वुमेंस एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट एक दिन के सेलिब्रेशन से ना वो चीज़ का लेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है. सो या, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेंस डे. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ही पता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. और ऐसा प्रोग्राम्स होता रहता है हर साल वुमेंस डे, बट आज यहाँ पे सेलिब्रेशन वॉज इन अ बिगर लेवल. सो मुझे बहुत अच्छा लगा आके. आई एम वेरी एक्साइटेड. और हम लोग आज मोस्टली इंडियंस में सजे हैं, लाइक अ प्रॉपर इंडियन वुमन. सो बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम रेबिका मनी, आई एम एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. और आज के दिन यू नो लाइक एनजीओ की प्रेसिडेंट अनुष्का दास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड अवार्ड दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. एंड आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट. मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टोरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को ज़रूरत है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को एक मेंटेन करने के लिए. बिकॉज हेल्थ खाली सुंदर दिखना नहीं होता, इट्स इंटरनल हेल्थ विच इज़ सीन आउटसाइड. इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ. वो सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ध्यान देती है. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यू नो स्किन केयर, हेयर केयर अफोर्डेबल हो और सबके लिए, सब इसको अफोर्ड कर सके. एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके. तो अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे, तो मैं बहुत ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए. और खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो, खुद के स्किन पे ध्यान दो और खुद के ऊपर ध्यान दो. थैंक यू. हाय, मैं हूँ स्वीटी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है मोहब्बतें. और ये हैं डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अम्बानी हॉस्पिटल. और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है. सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है. सो आई थिंक मच पावर. एब्सोल्युटली, आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज़ वुमेंस डे. एंड इस टाइम का जो वुमेंस डे है, इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी. मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो. वेयर एवर यू आर, बिगिन देयर एंड एक्सेल इन व्हाट यू आर डूइंग. That is embracing wow. equity. So happy Women's Day to everyone. More power to every single woman. चाहे वो विलेज में हो, सिटी में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करे और आगे बढ़े. यहाँ पे जो भी सब दुनिया में सभी वुमेंस के लिए वेरी हैप्पी वुमेंस डे. मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ. एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरे संगठन है भाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करें. तो ये आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेंस, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में. तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं, तो हमें थोड़ा लगा कि उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया. वो तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और हमारे लिए रात दिन जाके वो लोग मैडम
इतना हम सेफ फील करते हैं जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले इतने वुमेन पुलिस इतने सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। अभी तो छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे। कुछ और एनजीओज के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक एनजीओ है जहाँ पे अभी रिसेंटली मून ने विजिट किया था। यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था तो वो लोग सब लोग वहाँ पे बच्चे आके रहते हैं, तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था, तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है तो वो लोग देखभाल करते हैं। कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए, यहाँ पीछे लोकरवाला बैक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को, तो जितना हो पाता है क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा एनजीओ हो जाए। अनुष्का जी, आपने जैसे सोचा था कि एक अच्छा प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूं और जो देख पा रहे कि हर कोई चेहरे पे खुशी लेकर बाहर निकल रहा है, तो आप कितनी खुशी हो रही कि एक अच्छा प्रोग्राम आप यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं तो सोचती हूं बस, मैं तो एक सेवाधारी हूं, मैं एक जरिया हूं, मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊंगी, तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहे, तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है, तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना। मैं कहना एक्चुअली ट्रेडिशन के साथ में खड़ा होने का जस्ट सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का जी, एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सपोर्ट द विक्टिम्स हु इज अ रेपिस्ट गर्ल्स एंड एवरीथिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देम व्होएवर रेपिस्ट विक्टिम्स आर देयर, सो इट्स नॉट नेसेसरी इट शुड बी अ वुमन, इट शुड If men's also there, even they are coming the problem. So we are trying to do our best for them. और मैं बहुत बहुत बड़ा मेरी कोशिश करेंगे हम लोग इसको और भी उच्च लेवल पे करेंगे, सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे हम अच्छा खासा ऐसा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज वुमेंस डे है, शायद आप सबको पता है फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि एक भारत में ऐसा है जहाँ पे हम मर्द के आगे औरत को रखते हैं और उनको एज ए देवी पूजा करते हैं, और हमारे घर पे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबको पता होगा कि थोड़े ना थोड़े आप लोग अपने वाइफ से डरते हो, तो एक इंडिया ऐसा कंट्री है, आई हैव ट्रेवल्ड 30 countries बट मैंने कोई भी देश में ये चीज़ नहीं देखा जहाँ पे मर्द के आगे औरत को रखा जाता है, सो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है तो वी शुड सेलिब्रेट टूडे। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू।